कृषि कानूनों की सभी अर्जियों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन पर चिंता जाहिर की, कहा हालात में अभी भी कोई सुधार नहीं। किसान अब 7 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण एक दिन कार्यक्रम टाला। सिंगू से टीकरी, टीकरी से शाहजहांपुर और गाजीपुर से पलवल तक होगा ट्रैक्टर मार्च, किसानों का ऐलान। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा, आज से देश में जन जागरण अभियान चलेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में किसानों के लिए बसों में मोबाइल शेल्टर होम में बदला। कुंडली बॉर्डर पर बसें तैनात, बसों के अंदर रहने का इंतजाम। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने बनाया परमानेंट स्ट्रक्चर, हाईवे पर ईंट जोड़कर बनाया स्ट्रक्चर। पंजाब के बीजेपी नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिले, मुलाकात के बाद कहा प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी, जल्द मुद्दा सुलझेगा। यूपी में आज से किसान कल्याण मिशन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान मेले का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कल्याण के लिए ही हो रहा है काम। योगी ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया, कहा कुछ लोग कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, नए कानून से किसानों का भला ही होगा। मुख्यमंत्री बोले मोदी सरकार की नीतियां किसानों के हित में, 6 साल में 70 साल से ज्यादा देश का काम हुआ। किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए कल्याण मिशन, 2022 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य। देश में 13 जनवरी से शुरू हो सकती है वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय का वैक्सीनेशन पर बयान। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, कोविन सिस्टम पर दर्ज हो चुका है उनका डेटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी, हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले लगेगा टीका। अखिलेश यादव पर नीतीश कुमार का निशाना, कहा बोलने से खबर छपती है इसलिए लोग बोलते हैं। राजस्थान में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई। दुनिया में अब तक कोरोना से 8,68,00,000 संक्रमित, अब तक 18,76,000 से ज्यादा की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन बेकाबू, एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 60,000 मामले आए, एक दिन में 830 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी तक हालात सुधरने की उम्मीद जताई, टॉप 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। कोरोना केस बढ़ने के बाद ब्रिटेन में फिर लॉकडाउन, पहले दिन लंदन में सड़कें नजर आई सूनी, ट्रेन में नजर आए गिने चुने यात्री। जर्मनी में 31 जनवरी तक लॉकडाउन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने ऐलान किया, 2 नवंबर से बंद है रेस्टोरेंट और बार्स। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट करवाने वालों का तांता लगा, स्टेडियम के बाहर दिखी सैकड़ों गाड़ियों की कतार। ग्रैमी अवार्ड समारोह पर कोरोना की मार, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम रद्द। WHO चीफ ने चीन पर जताई नाराजगी, कोरोना वायरस के सोर्स की जांच के लिए चीन जाने वाली टीम के दौरे को अब तक मंजूरी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, ट्वीट करके कहा साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन प्रोडक्शन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी हो रही है। देश में कोरोना केस में लगातार कमी, एक दिन में 18,000 लोग पॉजिटिव, 264 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,74,932, 1.5 लाख से ज्यादा मौतें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 442 नए मामले, 12 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,160 केस आए, 64 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन के 8 मरीज मिले, ब्रिटेन से आए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी। मुंबई में वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल, कई सेंटर्स पर ड्राई रन जारी। ब्रिटेन से कर्नाटक आए 11 और यात्री मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, आइसोलेट किया गया। चेन्नई में कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के 3 मामले, तमिलनाडु में अब तक 4 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित। तेलंगाना में कोरोना के 417 नए केस, एक्टिव केस 5,000 के करीब। गुजरात में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन, लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी की पहल। ब्रिटेन से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी, यूके के लिए हर हफ्ते 60 के बजाय 30 फ्लाइट्स ही होंगी। देश के 6 राज्यों में फैली बर्ड फ्लू की दहशत, हजारों पक्षियों की मौत, MP के कई जिलों में कौओं की मौत। MP में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच शिवराज सिंह चौहान की बैठक, सीनियर अधिकारियों के साथ मंथन। MP के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का दावा, राजस्थान से MP में आया बर्ड फ्लू का वायरस। मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट, केमिकल के साथ अपनाए गए दर्जनों कौए। केरल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, बीमारी को राज्य आपदा घोषित किया गया। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग डैम में झील के पास सर्वे, 2,700 प्रवासी पक्षियों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ के बाटवा गांव में 53 से ज्यादा पक्षियों की मौत, प्रशासन ने कहा अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। राजस्थान के 10 जिलों में फैला बर्ड फ्लू, पिछले कुछ जिलों में 600 से ज्यादा पक्षियों की मौत, सांभर और केवलादेव नेशनल पार्क पहुंची थी। राजस्थान के 12 में पक्षियों की मौत से हड़कंप, भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए सैंपल, वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मुरादनगर हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी का बड़ा खुलासा, निगम के जेई और अफसरों को 30% रिश्वत दी, तब जाकर ठेका मिला। मुरादनगर में शमशान में घटिया निर्माण की शिकायत हुई थी, DM से 2 बार शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाजीबाद देहात के SP का अजय त्यागी पर बड़ा खुलासा, त्यागी गैंग बनाकर काम करता था, टेंडर किसी का भी निकले काम सब एक साथ करते थे। धर्मांतरण कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। टेरर फंडिंग मामले में ATS की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र और UP में छापेमारी जारी। UP के बुलंदशहर में जाति लिखे जूते की बिक्री को लेकर हंगामा, पुलिस ने जूता बेचने वाले के खिलाफ FIR की, बिक्री पर भी रोक लगाई। बुलंदशहर पुलिस ने जूता बेचने वाले नासिर को हिरासत से छोड़ा, जूते बनाने वाले की तलाश तेज। महाराष्ट्र के भिवंडी में शिवसेना और NCP के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, जमकर कुर्सियां चली। दोनों पक्षों ने शांतिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस जांच में जुटी।
महाराष्ट्र के अमरावती में यूथ कांग्रेस का हंगामा, अमरावती विद्यापीठ में प्रिंसिपल की बहाली को लेकर जताई आपत्ति। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में हादसा, दिल्ली जयपुर हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचला, तीनों की मौत। 3 बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर दूर जाकर पलटा ट्रक, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त। रायपुर में 1534 किलो गांजा जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, DRI की कार्रवाई। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को होगा पेश किया जाएगा आम बजट। 15 फरवरी तक चलेगा संसद के बजट सत्र का पहला भाग, 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। पिछले सत्र की तरह इस बार 2 पालियों में होगी संसद की बैठक, राज्यसभा की सुबह 9 से दोपहर 2 बजे और लोकसभा की दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक बैठक हो सकती है। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगी केदारनाथ मंदिर की झांकी, उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर की थीम को पेश किया जाएगा। 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 306 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लॉन्च करेंगे। कांग्रेस को अपनी कमजोरी का नहीं पता होना, 2014 लोकसभा चुनाव में हार की वजह प्रणब मुखर्जी ने द प्रेसिडेंशियल ईयर्स अपनी किताब में जिक्र किया। ईस्ट इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, 100% बैठने की क्षमता के साथ सिनेमाघरों को शुरू करने की अपील। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बिगड़े बोल, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया कहकर बुलाया। नागपुर के नए मेयर बने बीजेपी के दयाशंकर तिवारी, कांग्रेसी उम्मीदवार को 80 वोटों से हराया। प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस, स्कूल बैग का वजन 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में गैस रिसाव, अब तक 4 की मौत, 6 लोगों की तबियत बिगड़ी। बदायूं महिला के मर्डर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हैरान करने वाले खुलासे, रेप के बाद हुआ महिला का मर्डर। बदायूं रेप मर्डर मामले में थाना इंचार्ज सस्पेंड, 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों को पकड़ने के लिए टीम गठित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाव से ले जाई जा रही कार नदी में डूबी, कार सवार ने तैरकर जान बचाई। कुशीनगर में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, आधा दर्जन ग्रामीण और कुछ पुलिसकर्मी जख्मी। इंदौर में 70 किलो MDMA में ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग की कीमत 70 करोड़ रुपए। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल की कार्रवाई, करीब 21 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में तीसरी गिरफ्तारी, जुनैद नाम का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। बिहार में मुजफ्फरपुर में बंदूक का भय दिखाकर पढ़ाने का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेलंगाना में पतंग कारोबारी पर कोरोना की मार, हैदराबाद में पतंगों की बिक्री न के बराबर, कारोबारी परेशान। सूरत में कोरोना से कारोबार चौपट, पतंगों की नहीं हो रही है बिक्री। यूपी में अब पढ़ाई के साथ साथ हो सकेगी कमाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी लॉन्च की कर्मयोगी योजना। दिल्ली NCR में आज भी हुई बारिश, गुरुग्राम में कई जगहों पर ओले गिरे। गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले, तापमान में भारी गिरावट। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पानी भरा। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर बिछी। उत्तरकाशी जिला भी बर्फबारी से हुआ सफेद, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के पास भारी बर्फबारी। शिमला के पास नारकंडा में भारी बर्फबारी का कहर, गाड़ियां और मकान बर्फ से ढके, NH5 बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर बिछी बर्फ की चादर, BRO की टीम बड़ी गाड़ियों से बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की बर्फ, सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर मशीन के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भी बर्फ का कहर, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हंदवाड़ा में बर्फबारी में सेना बनी देवदूत, सेना ने रेस्क्यू करके माँ और नवजात को बचाया। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, मनाली और सोलांग नाला के बीच फिर सैकड़ों यात्री फंसे। माउंट आबू में -3.4 डिग्री तापमान, मौसम विभाग का अनुमान 2 दिन और भीषण सर्दी रहेगी। श्रीलंका और भारत के बीच अहम समझौता, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर कई MOU पर दस्तखत हुए। अमेरिका ने चीन को फिर दिया झटका, राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 चीनी सॉफ्टवेयर के लेनदेन पर बैन लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की, कहा भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में जयशंकर की अहम भूमिका। और सड़कों पर उतरे गिलगित बाल्टिस्तान के छात्र, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।